कांग्रेस का 84वां महाधिवेशन चल रहा है। महाधिवेशन को आज राहुल और सोनिया गांधी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि अधिवेशन में राहुल गांधी के भविष्य का ब्लूप्रिंट पेश किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने 84वें अधिवेशन के लिए आयोजित समिति ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके तहत चार उप समिति और एक संविधान संशोधन कमेटी का गठन किया है। आज और कल कांग्रेस के भीतर दो दो प्रस्ताव पर गहन मंथन होगा, जबकि इसी दौरान कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का भी गठन होगा। राहुल गांधी के भाषण के बाद राजनीतिक और कृषि प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर क्या सोचते हैं कांग्रेसी, बता रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता अमर सिंह। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये पूरा नजारा ये कांग्रेस महाधिवेशन का है। और ये आप देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 84वां अधिवेशन है। ये पूरा सिस्टम आप देखें तो इन्होंने वक्त है बदलाव का। श्याम पुत्रोजा जी हमारे साथ है। श्याम सर, सर आज आप देख रहे हैं कि इतने बड़े फंक्शन किए जा रहे हैं, जिस तरह से आज की माहौल है और कांग्रेस पार्टी जो जिस स्थिति में अभी खड़ी है, क्या लगता है कुछ बदलाव होने चाहिए और या भी नए फेस में आने चाहिए? बदलाव होगा, वक्त है बदलाव का। इट इज टाइम टू चेंज नाउ। आप देखिए क्या होता है नेक्स्ट दो दिन में। हमारे साथ कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा जी हैं। जगदीश शर्मा जी, अभी मैं थोड़ा देर पहले जब बात कर रहा था तो ये कहा जा रहा था कि बदलाव की जरूरत है और हमारे नेता में वो पोटेंशियल है कि हम जीत के आएंगे। देखिए, राहुल गांधी का ये पहला राजनीतिक शुरुआत है, कैरियर है अध्यक्ष के रूप में, और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं देश में, सच्चाई की लड़ाई को लेकर चल रहे हैं, पूरा देश जानता है कि आज बदलाव की जरूरत है। जो बीजेपी सरकार ने जो वादे करे देश की जनता के साथ, मैं नहीं समझता कि कोई भी खड़ा हुआ या पूरा हुआ है। तो बदलाव की जरूरत है, नारा कांग्रेस ने दिया है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा देश, पूरी कांग्रेस पार्टी अब तैयार है अपनी बात को जनता के सामने रखने के लिए, जो जनता के साथ अत्याचार उनको कहने के लिए। तो अब वाकई वक्त और बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल वक्त है बदलाव का, आपने देखा कांग्रेस का भी। सुने जरा, आपको मैं एक पैनल भी दिखा दूं, एक सिस्टम को भी आप दिखाएं कि किस तरह से एक सेंजिंग का कांग्रेस पार्टी का जो ये महा अधिवेशन है इसमें तैयारी की गई है। बिल्कुल सिस्टमैटिक है, जो एआईसीसी के मेंबर है उसके लिए कांग्रेस तीन दिनों का महाधिवेशन में अपनी ओर से तैयारी कर ली है। पांच मुद्दे हैं जिसको एक बुकलेट, पांच बुकलेट लेकर के आए हैं कि जहां सरकार को घेरी जाएगी कांग्रेस अपनी मजबूती प्रेजेंट करेगी। सलमान सोर साहब हमारे साथ हैं। सलमान सर, ये क्या बुक है, क्या जा रहा कि पांच टॉपिक को आपने तैयार किया है, पांच बुकलेट है जो तैयारी है आगे की भविष्य की रणनीति कांग्रेस तय करेगी? नहीं देखिए, ये जो बुकलेट है ये पांच है, एक इकोनॉमी पर है, एक किसानों पर है और ये बाय द वे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। यह हमारा यूथ, वुमेन, सोशल जस्टिस की बात है। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी, आप देखते हैं चीन ने एक हिसाब से हिंदुस्तान को घेर लिया, हमारे ही हमसाए मुल्क हमसे दूर हो रहे हैं, उसकी बात करेंगे। और ये स्कैम आप देखेंगे कि नीरव मोदी भाग जाते हैं लेकिन आप किसान से लोन ले लेंगे, उनके 40,000 रुपए का लोन नहीं मिलेगा, दूसरे को आप 4,000, 10,000 करोड़ के लोन देते हैं। ये जो है ये इनजस्टिस है और उसकी बात हम इसमें कर रहे हैं। ये सलमान सोच ली गई, आपने देखा कि पांच बुकलेट है, पांच टॉपिक है जिसको लेकर के ये मंथन किया जाएगा कांग्रेस महाधिवेशन। मंथन बिल्कुल, उनका कहना कि मंथन बिल्कुल जायज है, वक्त है बदलाव का, देखते हैं कांग्रेस पार्टी में कितना बदलाव होता है। दिल्ली से कैमरामैन रोहित के साथ अमर सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।